हाथरस मामले को लेकर देश में एक बार फिर आक्रोश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में ये हालात पहली बार बने हों। इससे पहले निर्भया मामले को देखा जाए या फिर अरुणा शानबाग, हेतल पारीख, प्रियदर्शनी मट्टू केस हो या फिर 2018 में कठुआ और चेन्नई रेप मामला, तब भी देश की जनता आंदोलित थी, आक्रोशित थी और सिस्टम के खिलाफ सड़क पर आंदोलन किया गया था। आज एक बार फिर वही हालात बने हुए हैं। सिस्टम के सामने आम आवाम आवाज उठा रहा है। महिला अपराधों को लेकर सड़क से संसद तक कई बार मामले उठ चुके हैं। हर बार सरकारों को इस चुनौती का सामना करना पड़ा है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में देश में हर दिन 88 बलात्कार की घटनाएं हुई, जो उस सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं जो इसके लिए बनाए गए हैं। हालांकि कुछ जगहों पर न्यायपालिका का डंडा चला तो न्याय की आस जगी, लेकिन वो भी तब जब उम्मीद टूट चुकी थी। सवाल ये कि समाज, सरकार, पुलिस प्रशासन, मीडिया, लोकतंत्र, राजनीतिक दल, नेता और इनसे भी बढ़कर महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसे संगठनों के फिर क्या मायने रह गए हैं। 2012 में निर्भया कांड के बाद लगा था कि अब इस अपराध पर लगाम लगेगी, लेकिन ये आग बुझने के बजाय विकराल हो रही है। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो इस मामले में सिर उठाकर खड़ा हो सके, यानी ये दाग सबके हैं, जिसको जड़ से खत्म करने के बजाय दबाने की कोशिश ज्यादा होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में फिर एक बात हम आपके सामने हाजिर हैं, एक ऐसे मुद्दे को लेकर के कि जैसे मैं लगातार ये सीरीज चला रहे हैं और हम कह भी रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है कि भारत में महिला के प्रति सम्मान सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं और कहा यह जाता है कि भारत में महिला की पूजा की जाती है, यानी कि नारी तो नारायणी कही जाती है। और मैंने बहुत बार कई गवर्नमेंट्स के बजट में यह सुना है, नारी तो नारायणी हमारी योजना उसको समर्पित करते हैं, नारी शक्ति का रूप है, नारी पूजनीय है, कन्याओं की यहाँ पे पूजा की जाती है, लेकिन एक काला शाह जो सच है वो सबके सामने है। तो मैं कहना चाहूंगा कि नारी को सिर्फ सम्मान चाहिए, ना उसको देवी बनना है, ना नारी तो नारायणी कहलवाना है, लेकिन उसका जो रेस्पेक्ट है उसे देने की आवश्यकता है, हमारा नजरिया बदलने की जरूरत है। तो चले जन टीवी की आज की जो पहल है, आज हम बहुत ज्यादा सवाल नहीं करेंगे हमारे अतिथियों से, और हमारे साथ अलग अलग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आज हम अतिथि के नाते हमने आमंत्रित किया है। वो भाजपा से राजस्थान राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा जी से, और ज्योति खंडेलवाल जी जो जयपुर के एक्स मेयर हैं उनसे सवाल जवाब करेंगे। और हर कोई असेंबली या पार्लियामेंट नहीं जा सकता, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे जो सवाल है, मेरे जेहन में जो सवाल है, हम जिन चेहरों को सड़कों पे देखते हैं हमारे लिए आंदोलन करते वक्त, लेकिन कुछ हमारे जवाब भी हम उनसे चाहते हैं कि जब आप सत्ता में बैठते हैं तो नजरिया क्यों बदल जाता है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बरखा शाह जी जुड़ी हैं चेन्नई से, अलका बत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की फॉर्मर प्रेसिडेंट है, अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ करीना दत्ता जुड़ी हुई हैं जो स्टूडेंट हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक ओपन प्लेटफॉर्म देना चाहूंगा, करीना आपके पास आना चाहूंगा, सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक ऐसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है जिसका मकसद ही केवल महिलाओं को न्याय दिलाना है। अब हम देख रहे हैं कि देश में सब कुछ क्या चल रहा है। जो आपका सवाल हो, ज्योति जी हमारे साथ बैठी हुई हैं और सुमन जी हमारे साथ हैं, जो आपका सवाल आप पूछ सकती हैं इनसे। नमस्कार, मेरा आपसे ये सवाल है कि भारत को आजाद हुए 70 इयर्स से भी ज्यादा हो चुका है, परंतु आज भी एक महिला या कोई औरत, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, एडल्ट हो, बूढ़ी हो, वो आज भी अपने रोड के ऊपर बिल्कुल भी महफूज नहीं है। वो नहीं बिना डरे बाहर निकल सकती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या गवर्नमेंट को इतना टाइम दिया गया अपनी आजादी के बाद भी, क्या उनके पास इसका भी कोई हल नहीं था उनके पास, या फिर उनके जो वादे थे वो उसी भाषण में सीमित थे जो वो अपने लिए वोट मांगते हुए देते हैं? क्या कहना है आपका इसके ऊपर? जी करीना, करीना आपका सवाल जो है, आपके उम्र दराज के जो लोग हैं उनके जहन में उबलता हुआ सवाल है और बहुत जेन्यून सवाल है। हर आप जैसी उम्र की लड़कियों के मन में ये सवाल है। दशकों से हम लोग आज़ादी का भी आपने जिक्र किया और लोकतंत्र की मजबूती की भी बात आपने बताई, लेकिन आपको इसके परिप्रेक्ष्य में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओर कोई इशारा नहीं करूंगी, लेकिन एक दृश्य बताना चाहूंगी, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और भारत के रेफरेंस से जब हम बात करते हैं तो भारत में महिलाओं को लेके क्या कंसर्न होना चाहिए। वो अभी योगेंद्र जी कह रहे थे कि नारी तू तो नारायणी और तत्र देवी देवता रवंते, ये सब चीजें हम लोग बहुत सुने, पर एक्चुअल में ये केवल कानों में सुनाई देती है, दिल के से उतर के हाथों के माध्यम जमीन तक नहीं जाती है। चाहे सरकारें किसी की भी आई किसी की भी गई, मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं करूंगी, जो हमारी पितृसत्तात्मक मानसिकता है वो आज तक नहीं बदली। उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं कई लोगों के साथ काम की हूँ, सरकारों के साथ भी काम की हूँ और गैर सरकार के साथ भी रही हूँ, तो मैंने जो महसूस किया आयोग के चेयरपर्सन बनने के बाद, मुझे लगता है कि महिलाएं इस देश में एक तो वोट बैंक नहीं बन पा रही हैं अभी तक, उनके पावर को जो वैल्यू मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। यदा कदा कोई घटना होती है या रेगुलर होती है तो वो माहौल बनता है तो सरकारें चौंकती हैं, फिर कोई एक्शन लेती है, फिर कोई कैंडल जलता है, देन ओवर, फिर कोई बजट आता है सरकार का, उसमें एक कॉलम हमारे नाम डाल दिया जाता है, ओवर। उसको जमीन पे उतारने की जो
रियलिटी ग्राउंड के साथ होनी चाहिए, वो नहीं होती है, बिकॉज पितृसत्तात्मक इस देश पे इतना हावी है कि नीति निर्णायक में हम महिलाओं की भूमिका नगण्य है, चाहे हम फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएं, चाहे हम होम मिनिस्टर हो जाएं, लेकिन हमारी भूमिका को जीरो करके देखा जाता है कि अरे ये तो महिला है, इसके ऊपर एक बॉसिज्म जरूरी है, चाहे ओहदा प्राप्त हो जाए, इंदिरा गांधी हो जाए, चाहे वसुंधरा राजे बन जाए, लेकिन एक जो ऑरा हमारे एक बना होता है कि महिला है, वो सोच अभी तक बदली नहीं है। उसी का परिणाम है कि महिला जो बोलने लगी, आप जैसी बेटियां, हम जैसी औरतें, ज्योति है, अलका है, आप सब हो, सब लोग सब बोलते हैं, हम लोग अपने समाज में एक स्थान स्थापित करते हैं, तो हम लोगों को कमजोर करने की कोशिश इस पुरुष समाज के द्वारा होती है। और हमारी सबसे जो कमजोर कड़ी है वो हमारी मैं कहूँ हमारा शरीर होता है, जो जिसको हम लोग सतीत्व भी कहते हैं, अपना स्त्रीत्व भी कहते हैं, तो उस पे हमला किया जाता है कि ये महिला बोलती है इनको घायल कर दो, वो डर जाएंगी, घबरा जाएंगी, एक ये सोच के साथ हिंदुस्तान, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा से आपसे जवाब चाहिए। मैं बस मैं इसीलिए भूमिका थोड़ा सा दी कि इसलिए ये बदल नहीं पा रहा है, और वो सोच पितृसत्तात्मक तक ही सीमित रहता है, पॉलिटिकल उस व्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाता है जो भाषण में हम लोग देते हैं। जी ज्योति जी, आपके पास भी आना चाहेंगे। करीना का एक सवाल है कि क्या वोट का ही वादा रहता है, महिला सुरक्षा और महिलाओं से जो वादे किए जाते हैं, धरातल पे कब उतरेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि आज हम इतने टाइम के बाद भी जो करीना ने जो सवाल उठाया वो सवाल हमको उठाना पड़ रहा है, हमें अपनी सुरक्षा के बारे में बात करनी है, और हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाह रहे हैं कि हमें कोई आप एक्स्ट्रा कोई जेड कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध करवाओ, जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें, हमारी मूलभूत आवश्यकता है कि हम हमारे घर से सेफली बाहर निकल सके, और जब हम घर से बाहर निकले तो हमारे पेरेंट्स को हमारे लिए चिंता ना हो, उन्हें यह ना लगे कि पता नहीं बेटी सुरक्षित घर वापस आएगी या नहीं आएगी, इस टाइम पर गई है, अकेली गई है, वो जो एक फीलिंग, जो एक भावना है जो पेरेंट्स के मन में जो आनी चाहिए, एक सुरक्षा की भावना माहौल को लेकर के, वो ही चाह रहे हैं। और वो हमारा यूं कहें कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग, न केवल महिला, एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमारा एक अधिकार है, लेकिन वो हमको कमी महसूस होती है। मुझे दो कारण जो है, मैं क्योंकि काफ़ी भूमिका जो है वो सुमन जी ने बांध दिए, मैं तो पॉइंट पे दो जो कारण है उन पर आना चाहूँगी। पहला कारण, लोकतंत्र में जिस तरीके से अगर आपने भागीदारी दी थी कि जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं उनको एक मौका मिलना चाहिए कि वो नीति निर्धारक के रूप में आ सके और अपनी आवाज को बुलंद कर सके, इसी तरीके से महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैंने महसूस किया है इस बात को, अगर पंचायत में और निकायों में अगर 50% या 33% महिलाओं को मौका मिला है तो उन्होंने वहां पर अपने गाँव में, अपने छोटे छोटे गाँवों में महिलाओं को अगर मौका मिला है तो उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और महिलाओं के लिए काम किया है। इसी तरीके से ठीक बात कही थी सुमन जी ने कि जो वोट बैंक है वो हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हम वोट बैंक इसलिए नहीं बन पा रहे कि हम वोट भी हमारे घर में जो हमारे पिता जिसको वोट देते हैं, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी भावना जिससे जुड़ी हुई है, हम उसको ही ऐसा मान के चलते हैं, महिला भी उसी को ये मान के चलते हैं जो हमारे पिता बोल देगा, हमारा भाई बोल देगा, हमारा पति बोल देगा, तो वो महिला भी अंत में जाकर के उसको ही वोट कर देगी, उनका अपना जो सोच है, अपना जो विचार है वो वोट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये निश्चित रूप से दो ऐसी बातें हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को प्रेशराइज कर सकती है कि वो महिलाओं के बारे में और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ बात करें, और ज्यादा संवेदनशीलता के बारे में उनके सोचे। और सबसे बड़ी बात है जो इंप्लीमेंटेशन पे जो प्रॉब्लम आती है कि आपने निर्भया फंड बना दिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि उस फंड का क्या हुआ, वो फंड कितना पहुंचा महिलाओं तक, वो उसने कितनी महिलाओं को वहां पर जाकर के कुछ न्याय दिलाने के लिए कुछ काम किया, क्या कुछ ऐसा हो पाया? तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप कितने भी कड़े कानून बना दें अगर सजा ही नहीं हो रही है, आप बचा के ही लेके जा रहे हो, आप किसी महिला के साथ रेप हो जाए और उसको आप केवल ये कह दो कि छेड़खानी है और आप कानून के माध्यम से बचा करके ले जाओ, तो ऐसी स्थितियां अगर रहेंगी तो फिर कभी ठीक नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है जो मुझे लगता है महिलाओं के संदर्भ में भी कि अगर एक महिला आती तो कई बार ये भी देखने में आता है कि पुरुष तो आक्षेप लगा ही देते हैं कि अगर रेप हुआ है तो महिला की गलती है, कई बार बोल रहे हैं उसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे, इस समय क्यों निकली, अरे आप अपनी सोच को तो देखो, आप ना छोटी बच्ची को छोड़ते हो, ना बड़ी बुजुर्ग महिला को छोड़ते हो, ना कुछ करते हो, फिर आरोप लगाते हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जरूरी है कि वो महिला के
एक मिनट, सिर्फ एक मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ कि महिला के सपोर्ट में जब भी कोई बात आए या उसके अगेंस्ट में अगर कोई पुरुष किसी महिला पे कमेंट करता हुआ आपको केवल ऐसा दिखाई दे तो हर महिला की जिम्मेदारी है कि वो उसका विरोध जरूर करे। कि आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? बरखा जी से और अलका जी से गुजारिश करूंगा, मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अभी तो हमारी डिबेट की बिगनिंग है और मेरे बड़ा एक आश्चर्य हो रहा है मुझे कि एक क्रांति महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे साथ दो माननीय अतिथि बैठी हुई हैं जिन्हें जवाब देना है हमारे पैनलिस्ट का, लेकिन आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी राजनीतिक दलों में भी पुरुष सत्ता मानसिकता बिल्कुल घुसी हुई है। शायद आप लोग भी इससे अछूती नहीं है, जो कहें कि आपकी पीड़ा जाहिर हो रही है, मुझे लग रहा है कि आप जवाब राजनीतिक दल के रूप में देंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी पीड़ा भी जाहिर कर रहे हैं साथ साथ बयानों के जरिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बड़ी क्रांति की आवश्यकता है, जहां उम्मीद की जाती है कि नियम कायदे बनेंगे उस प्लेटफॉर्म पर सुनी जाती होगी बात, शायद आप लोगों की बात ही दबाती जाती है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है इस देश में अभी। और मैं सोच रहा था कि अक्सर हम सुनते हैं, मैं छोटा सा माफी चाहूंगा आप लोगों से, मेरा बिल्कुल कोई मकसद नहीं था, आप ही लोगों को सवाल जवाब करने हैं, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हम उस भारत के मूलवासी हैं जहां पे जब भगवान रामचंद्र जी की मैरिज के लिए अयोध्या से राजा दशरथ जनकपुरी जाते हैं और राजा जनक से कहते हैं, उनके ढोक लगाते हैं और कहते हैं, तो आश्चर्य होता है जनक जी को कि ये क्या कर रहे हैं, राजा दशरथ मेरे ढोक दे रहे हैं, तो उन्होंने कहे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं कि मैं आपका याचक हूं क्योंकि मैं आपके यहाँ मांगने आया हूं और आप दाता हैं तो निश्चित रूप से आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं आपकी बेटी लेने के लिए आया हूं। तो इस जगह ये बात इस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि आप अंदाजा लगाइए कि बेटा किसी के होता है तो हम कह सकते हैं भाग्यशाली है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इस भारत के मूलवासी हैं जिसके अगर बेटी होती है उसे सौभाग्यशाली कहलाना चाहिए, लेकिन कैसे कहें हम ये, कैसे सोच सकते हैं कि अगले जन्म मुझे बेटी ही कीजो, ये सोचा जाता था पहले जब नारी का सम्मान था, लेकिन आज तो मुझे लगता नहीं, एक एक्सक्लेमेटरी साइन जन टीवी लगा रहा इसी बात के ऊपर, क्या ये सही है। मैं बरखा जी और अलका जी आपके पास आना चाहूंगा, हमारे साथ दो अतिथि बैठी हुई हैं जिन्हें जवाब देना है, लेकिन इनकी खुद की अपनी भी पीड़ा है, तो क्या कहें अभी आप इनसे कुछ जानना चाहेंगी? मैं बोलूं कुछ जोगिंदर जी? आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि सुमन जी और ज्योति जी ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई, लेकिन महिला पहले है, जो महिला की पीड़ा है पहले नजर आती है। और पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें तो अगर आप अभी लेटेस्ट किसी देखिए जो अभी तक मीडिया में चल रहा है कि कंगना जैसी लेडी के लिए पॉलिटिकल पार्टी कैसे उनका ऑफिस करवाया, so the rape is not physical rape, it is mental rape also and your economical rape also। आपको महिला को किस तरह से politician parties भी किसी भी उसमें खुंदक निकाल सकती है। और आपको देखिए राजस्थान का किस्सा एक आपके चल रहा है कि कोई लेडी या वो सप्लाई कर रही है, वो किसी कांग्रेस की कोई सरपंच छोटी पता नहीं किसकी नेता है, तो अगर ये मतलब ये देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज भी रेप करने में कहीं पीछे नहीं रहते, चाहे वो किसी भी किसी भी पार्टी से कोई भी छप्पा आपका वीडियो अटक रहा है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं अलका जी को मौका देना चाहूंगा एक बार, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। अलका जी के पास आना चाहूंगा मैं, आप सवाल कर सकती हैं। तो ये मैंने ही सवाल किया है, आपको मेरी आवाज आ रही है योगेंद्र जी? आ रही है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज भी रेप करने में इन्वॉल्व है महिलाओं का, चाहे वो किसी भी तरह से हो, जिसमें कंगना रनौत का बंगला तोड़वाया गया, ऑफिस तोड़वाया करा, वो भी एक रेप ही तरह का कहा जाएगा। और राजस्थान में जो अभी पीछे कुछ दिनों से आ रहा है कि महिलाओं की सप्लाई एक पॉलिटिकल लीडर छोटे लेवल की है लेकिन वो कर रही है, सो दिस इज अगेन अ रेप whatever it is going on, जो कि महिलाओं की इज्जत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है जो कर रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी ऐसे लोग मेल तो है ही है बट कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो कर रही हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए इसका एक ही मेरे को नजरिया समझ में आता है। फर्स्ट निर्भया फंड का आपने कल ही देखा होगा कि 40% निर्भया फंड अनयूज किया गया और 60% अभी तक अनयूज पड़ा हुआ है। अगर वो फंड आप लिया है और उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं, तो मैं इस केस में दोनों सुमन बहुत अच्छी फ्रेंड्स है, बहुत अच्छी बहुत नॉलेजेबल
पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिससे दोनों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि ये दोनों पार्टियों से जुड़ी हुई है, क्यों दोनों पार्टी ने किया हमें जो निर्भर जो का क्यों अनयूज पड़ा हुआ है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात में ज्योति सुमन जी, एक बड़ा सवाल है ये कि हम कई बार उठाते हैं निर्भया फंड को बनाया इसी वजह से गया था कि महिलाओं के स्टूडेंट्स के छात्राओं के इनके लिए कुछ हम कर सके, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है जी कुछ करना था लेकिन नहीं किया जा रहा। जी सुमन जी, सुमन जी चाहूंगा, देखिए निर्भया फंड का जो गठन हुआ था उसके पीछे मकसद यही था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके और महिलाओं के को लेके जो वातावरण देश में बना था उससे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, जैसे वन स्टॉप सेंटर, अपराजिता, ये सारी चीजों का निर्माण करना और अनेकों नई योजना जिससे महिलाओं को शेल्टर मिल सके और पुलिस जहाँ, क्योंकि कई जगह हम लोग देखते थे महिला डेस्क नहीं है, महिला थाने में माने पुरुष थाने में महिला के जाए अगर थाने में तो बात किससे करें, तो ये सब सुधार के लिए चीजें थी। लेकिन मैंने एक बात शुरुआत में आपको कही थी तो आपने कही कि ये हमारी पीड़ा है, ये हकीकत है योगेंद्र जी कि महिला बजट हो, बजट के मोटे पन्नों के साथ 20-25 पन्नों में गिनाए जरूर जाते हैं लेकिन उतारते वक्त उसमें इतनी मंदी आ जाती है, प्राथमिकता बनी नहीं पाती है, दूसरी प्राथमिकता बन जाती है कि कहीं किसी जाति विशेष के लिए ये करना अत्यंत आवश्यक है लेकिन महिला ना जाति है ना वोट बैंक है तो उसके कार्य को इग्नोर मारो। उसी का परिणाम है कि निर्भया जैसे लाखों फंड पड़े रहे, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। मैं यदि कहूं कि भाई मेरे सरकार में जब मैं आयोग में चेयरपर्सन थी तो मैंने इतने सारे शेल्टर होम, इतने सारे इतने फंड यूज किए लेकिन पर्याप्त नहीं हुए। जो प्रोसेस होते हैं ना उस फंड को यूज करने का भी, कि केंद्र सरकार रिलीज करती है, स्टेट में फंड आता है, फिर स्टेट के बाद वो उस टेबल तक पहुंचता है जिनको उसको इस्तेमाल करके उसको नीचे तक ले जाना है, वो जो प्रक्रिया इतनी जटिल है योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं इस प्रक्रिया में भी सुधार होना चाहिए, अन्यथा पैसे ऐसे ही लैप्स करेंगे, फिर कोई हाथरस जैसी घटना हो, फिर कोई निर्भया जैसी घटना हो तब हमें ध्यान आता है निर्भया फंड का भी और फिर हम पन्ना पलटते हैं कि अरे निर्भया फंड का क्या हुआ, जबकि निर्भया फंड इतना पड़ा हुआ है अगर चाहें तो पूरे राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन हो सकता है, हम पॉक्सो कोर्ट भी बना सकते हैं, हम ये सखी सेंटर जो अपराजिता की तरह है, वन स्टॉप सेंटर जिसको कहते हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट में बना सकते हैं ताकि यदि कोई पीड़ित महिला है, कोई घायल महिला है तो उसको हम लोग आराम दे सके, उसको रेस्क्यू कर सके। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, मैं कोई सरकार पे प्रहार नहीं कर रही हूँ कि सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की है, लेकिन इन जनरल मैं जो 3 साल आयोग में रह के देखी हूँ उसको मैं बता रही हूँ कि लोग गंभीर ही नहीं है। फाइनेंस वाले कहीं अटका देंगे, जो जेन्युइन फंड है उस फंड में भी उंगली लगा देंगे, अरे ये क्या व्यवस्था है। तो इसलिए लगता है कि महिलाएं उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उनके फंड में भी जब कोई बहुत बड़ी बात होगी तभी उसका उपयोग होगा। वापस आऊंगा मैं ज्योति जी, इसी सवाल का जवाब आपसे भी लेना चाहूंगा कि निर्भया फंड। बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसा कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं और क्या करना चाहिए और हमें उनसे क्या डिमांड करनी चाहिए और किस तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। देखिए ये बात तो सुनिश्चित है कि भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं जैसा सुमन जी कह रही है, लेकिन राजीव गांधी जी ने जो अपने 73rd और 74th अमेंडमेंट में जो एक सपना देखा कि पंचायत स्तर पर और निकाय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़े, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसलिए 73 और 74th अमेंडमेंट में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। निश्चित रूप से इसका लाभ मिला। आप कितना भी आरोप लगा दें कि सरपंच पति काम करते हैं, ये काम करते हैं, पार्षद पति काम करते हैं, लेकिन वो बहुत चुनिंदा होते हैं, लेकिन उसके अलावा महिलाओं को बहुत बड़ा मौका मिलता है कि वो अपनी बात को बहुत मजबूती से उठा सकती है और अपनी प्रतिभा को दिखा सकती है, उनके पास महिलाएं जो है वो अपनी समस्याओं को लेकर के आ सकती है। इसी तरीके से हम जो इस समय सरकार है तो हम ये चाहते हैं, जैसा पहले भी किया गया कांग्रेस पार्टी से प्रयास किया गया कि इसी तरीके से पार्लियामेंट में भी 33% महिलाओं की भागीदारी वहां सुनिश्चित हो, वहां पर किसी पुरुष को अगर महिला के अगेंस्ट बोले तो उसे सोचना पड़े 10 बार, वहां पे महिलाएं पॉलिटिकल पार्टी से अगेंस्ट होकर के महिलाओं की नीति पर एकजुट हो सके, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ करके आ सके, लेकिन इसके लिए उनका पार्लियामेंट में पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि नेता बहुत आसानी से कई बार महिलाओं को इस तरीके से बोल देते हैं,
तो एक 33% का जो रिजर्वेशन है वहाँ पॉलिसी डिसाइड के लिए जो पेंडिंग चल रहा है बहुत लंबे, और इसीलिए पेंडिंग चल रहा है कि पुरुष नहीं चाहते कि महिलाएं आगे आ जाए, उन्हें लगता है कि वो आगे आ जाएंगे तो हमारे लिए खतरा है, तो निश्चित रूप से वो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे सुमन जी भी हैं, राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन भी रही हैं, तो निश्चित रूप से एक, एक महिला को ये विश्वास, हमें हर महिला को एक विश्वास अपने अंदर ये जचाना होगा दूसरी महिला के लिए कि मैं इस महिला के पास जाकर के अगर अपनी बात कहूंगी तो वो मेरी बात सुनेगी। तो ये विश्वास जो हम जैसे जैसे वो सुमन जी चाहे मैं हूँ, हमने कोशिश की है, जो चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी है। लेकिन एक बात मैं बीच में जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे, जिस भारत ने महिला को राष्ट्रपति भी बनाया, प्रधानमंत्री भी बनाया, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन मैं एक आप लोगों से ईमानदारी से जानना चाहूंगा, बरखा जी का पहले सवाल होगा, उन्हीं के साथ साथ मेरे सवाल का जवाब दे देना। जब महिला को जो जिम्मेदारी मिलती है, जिस पद पर बैठती है, आप ईमानदारी से बताइए कि महिला वास्तव में, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल, क्योंकि शपथ जब लेता है कोई भी, संविधान की शपथ होती है, उस जाति धर्म लिंग भेद वो कहीं भी उसमें कोई अंतर नहीं करता, सभी के साथ समानता से व्यवहार करना चाहिए, हमारा संविधान कहता है। लेकिन योजनाओं में देखें या महिलाओं की पीड़ा को लेकर के देखें, कितनी जगह इतना सॉफ्ट कॉर्नर उठाया जाता है कि हाँ बिल्कुल महिला है, हम क्यों भूल जाते हैं जब बैठते हैं उस वक्त, ये सवाल का जवाब भी आप दोनों जरूर दीजिएगा। लेकिन बरखा जी से मैं गुजारिश करूंगा, वो अपना सवाल पूछें। जी बरखा जी। सुमन जी एंड ज्योति जी नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हम आज के टाइम में बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है करके, राइट, लेकिन मुझे कहीं से भी मैं सहमत नहीं हूँ कि जो अभी आपको कोई भी पोस्ट मिलती है औरतों को, लेकिन मतलब हर वक्त उनको यही जताया जाता है कि आप उस लायक नहीं हो। हर वक्त औरत को हीन भावना से देखा जाता है, उसे नीचा ही माना जाता है। बहुत सारे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, अरे ये लेडी है क्या कर लेगी, अपन संभाल लेंगे। तो मैं एक तो मेरा सवाल ये है कि ऑलवेज जब हम बोलते हैं कि आज औरतों का जमाना है, नारी कुछ भी कर सकती है, एक नारी सब पे भारी, लेकिन उसके बाद भी औरतों को दबाया जाता है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अब रेप केसेस की बात कर रहे हैं, सब कुछ है, बलात्कारी बलात्कार किया, प्रॉब्लम हुई, सब कुछ, उनको सजा क्यों नहीं मिलती है? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनको तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती है? सजा 7-7 साल 8-8 साल तक क्यों खींची जाती है? और अगर एक लड़की उस दौरान मर जाती है तो फिर उसका उसकी भरपाई कैसे की जाए पूरी? वो आदमी तो छूट जाता है, 10 साल की सजा मिली, 7 साल की सजा मिली, वो लड़की वापस नहीं आ सकती है दुनिया में, और उसके परिवार वालों को कितनी तकलीफ होती है। तो मुझे मेरा मुद्दा यही है कि मुझे उनको सजा मिलनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए। जब हमारे पास एविडेंस है तो हम उनको सजा क्यों नहीं देते हैं? बोला जाता है कि उनको लटका देंगे, फांसी लगा देंगे, चौराहे पे खड़ा करके ये करेंगे, लेकिन वो सब चीजें नहीं होती है। तो मुझे वही जवाब चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है। वाजिब सवाल है आपका, वाजिब सवाल है, मैं इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद में दिलवाऊंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा ब्रेक से पहले कि यही सबसे बड़ी पीड़ा है कि मीडिया ट्रायल या जिन केसेस की चर्चा हो जाती है उसमें फास्ट चलता है सारा सिस्टम, अदरवाइज तो कितनी महिलाएं हैं उनके न्याय की अंत्येष्टि 2 बजे कर दी जाती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और ब्रेक के बाद दोनों सुमन जी और ज्योति जी से जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम देश में बढ़ते महिला अपराध और जन टीवी की एक पहल है। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से कद्दावर नेता राजस्थान से जुड़ी हुई हैं और उनसे कुछ पैनलिस्ट हमारे सवाल कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बरखा जी ने सवाल किया था, मैं सुमन जी वापस आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट रखिए अपना जवाब ताकि, क्योंकि पैनलिस्ट हर चाहते हैं कि हमारे एक एक दो दो सवाल और हों। बरखा जी आपको धन्यवाद। जो जैसा आप सोचते हैं कि ये तो महिला है, ये कमेंट बड़ा कॉमन सा है और हर फील्ड में मिलता है, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे लॉ
फील्ड हो चाहे पॉलिटिकल हो, कोई भी फील्ड, तो इससे अपने को डरने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग इसलिए कहते हैं आजकल हम जैसे लोगों को देख के, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब उनकी वो महिला माने पुरुष लोग पिछड़ रहे हैं, महिलाएं आगे हो रही है, तो ये उनका डरा हुआ मानसिकता है जो हमें ये कह के रोकना चाहता है। हमें रुकना नहीं है, ये एकदम बोल्डली अपने को फेस करना है कि मैं महिला हूँ और मैं दुनिया की और इस विश्व की सबसे बड़ी माने धरोहर हूँ, इसलिए मैं महिला हूँ, ये सोचना है और आगे बढ़ना है। दूसरा सवाल बहुत जेन्युइन था जो आपने दिया कि सजा क्यों देरी से होती है सजा में, तो हम लोग जानते हैं कि देश के कानून व्यवस्था को देखते हुए बहुत सारे कानून में संशोधन भी हो रहा है, और उन कानून को संशोधन करते हुए अगर आपको याद हो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान वो राज्य बना था कि हमने 12 साल तक की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी का प्रावधान दिया था जब वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, और उसके परिणाम स्वरूप उनमें हमने ट्रायल डेट और निर्णय डेट सारा चीज को टाइम अप किया था कि 3 महीने के अंदर सारी चीजें फाइनल होके आ जाए, और उसके क्रम में हम लोग 4 लोगों को फांसी तक पहुंचाए भी थे। तो एक शुरुआत हुई है, कानून बहुत घिसा पिटा है, लचर है, कानून पे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, परंतु लेकिन कानूनी दाव पेच में हमारी जो सजा की प्रक्रिया है वो बहुत लचर और पचर हो जाती है, उसको सुधारने की जरूरत है। आप जैसे हम जैसे लोग इस पे लगे हुए हैं, कानून में सुधार की गुंजाइश हो रही है। अगर इसी कानून का परिणाम अगर देखना था तो आपको ध्यान होगा डॉक्टर प्रियंका तेलंगाना गवर्नमेंट जो सूट एट साइट की आवाज उठती है, लेकिन कानून हमें इसके लिए रोकता है, मानव अधिकार और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सुधार होगा और जल्दी होना चाहिए, इसीलिए ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती। सुमन जी, एक मेरा सवाल भी था, मेरा सवाल भी है, एक मेरा सवाल भी है कि महिलाओं को जब जिम्मेदारी मिलती है जिम्मेदार पदों पे बैठने की, राष्ट्रपति भी बनी, प्रधानमंत्री भी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बनी, बाकी पदों के तो आप छोड़ दीजिए, बहुत सारी महिलाओं ने हर कैबिनेट जब भी बनती है, चाहे यूनियन बने चाहे स्टेट बने, उसमें महिलाओं की चेहरे जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आपका बहुत बड़ा एक राजनीतिक एक्सपीरियंस है, ज्योति जी का भी है, जो महिलाएं जिस कुर्सी पे बैठती हैं, ईमानदारी से बताइए कितना सोचा जाता है उस महिला के लिए कि हम एक नजीर दे सकें कि हाँ महिला के लिए मैं कुछ कर पाई, या उस कुर्सी से हटने के बाद में किसी को कोई मलाल रहता है कि काश ये मैं कर पाती। मैं अगर अपनी बात कहूं योगेंद्र जी, मैं कहती हूं मैं संघर्षों में ही पली हूं और चुनौतियों के सामना ने ही मुझे बनाया है, तो मैं तो जिस जगह रही जहां भी रही बहुत चर्चा में रही, क्योंकि काम करते हैं तो चर्चा में रहना लाजमी है। तो मैं तो जब आयोग के चेयरपर्सन से हटी तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस और फुल सेटिस्फेक्शन था, काम करते वक्त कॉन्फिडेंस था और जब आउट हुई तो फुल सेटिस्फेक्शन था कि हमने वो किया। लड़ाई हमें लड़नी पड़ी, अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा मुझे, तो अपने ही सरकार में अपने लोगों के लिए मैं कई बार प्रॉब्लम खड़ी कर देती थी क्योंकि बेबाक बोलती थी और उसका मैंने समाधान चाहती थी, लेकिन हमने किया। हम आयोग में जब गए थे तो सिस्टम बहुत बेकार था, मैं किसी सरकार का नहीं करती लेकिन मेरा दायित्व था कि मैं जब चेयरपर्सन बनी हूँ तो इसको मैं लाइन अप करूँ, एक अच्छे से ब्रैकेट्स में ले आऊँ आयोग को कि आयोग को लोग समझे, नहीं तो महिला आयोग को कोई कुछ समझता ही नहीं था, वो समझते थे ये बिसीन पद है जिसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एसपी और आईएएस तक को अपने आयोग में बुलाया। अगर काम करना चाहते हैं आप तो आपके लिए राह आसान हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत हेल्प करता है। ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इस बात से मैं पूरी सहमत हूँ कि बहुत आसान नहीं होता कि किसी महिला को किसी पद पर अगर वो पहुंच जाए तो उसके लिए कोई बहुत आसानी से हाँ कि भाई अब तो ये पहुंच गई है तो अभी ने एक कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, बल्कि तैयार रहते हैं कि कैसे उसका मोरल डाउन करना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये सब हिस्सा है और हमें अपने अंदर वो शक्ति, वो विल पावर वो पैदा करनी पड़ती है कि आप अपना मोरल गिराने का तरीका अपने पास रखो, हमारा मोरल हमारे पास है, हमारा संघर्ष हमारे पास है और हमको लड़ने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, हम उठाएंगे और हम झुकेंगे नहीं। ये तो हमें लानी पड़ेगी ताकत, जिस तरह के हमारे समाज में सिनेरियो है, जैसा पुरुषवादी जो समाज कहते हैं, तो इससे तो हमको, ये तो हमको अपने अंदर मजबूती लानी पड़ेगी, तभी हम पा सकते हैं। बहुत आसान रास्ते तो नहीं मिलते, ये केवल पॉलिटिक्स में ही नहीं, आप किसी बिजनेस में भी अगर महिला, अलका बत्रा जी जैसी महिला अगर वो भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है तो वहां भी टांग खिंचाई शुरू हो जाती है, वहां भी इस तरह के मोरल गिराने के तरीके, ये काम नहीं कर सकती है या इनको तो इसलिए पहुंच मिल रही है क्योंकि एक महिला है, पता नहीं क्या करती है, पता नहीं क्या दे देती है, तो इस तरह की बातें तो होती हैं जिनको
जिनको जिनको जिनको आप नजरअंदाज नहीं करोगे और जब तक ये नहीं रहोगे कि हमारे पर इन बातों का कोई असर नहीं होता है, तब तक हम इनसे पार भी नहीं पा सकते। और दूसरी बात, जहाँ तक बिल्कुल सही बात है, जो सजा समय पे मिलने की बात बरखा जी ने कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर सजा अगर समय पे नहीं मिलती है ना, तो उस सजा के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। आज वो बच्ची है, वो अगर वो बच्ची हाथरस में अगर वो मर गई, ज्योति जी वापस आऊंगा, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी इच्छा है कि सब दो दो सवाल लें। मैं अंकिता के पास जाना चाहूंगा। अंकिता, आपके पास आना चाहूंगा। आप अपना कोई जो सवाल है, आप सारी परिस्थितियां देख रहे हैं, पढ़ती भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? अभी जो प्रेजेंटली एटमोसफेयर जो बना हुआ है मुल्क में, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, उसको लेकर के कुछ सवाल खड़े होते हैं? बिल्कुल है। अभी हम जो सब बातें कर रहे हैं, ये तो हो गई हादसे की बात की बात, और अगर हम बात करें कि हादसा हो ही ना और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। 2018 से 2020 तक 7% इंक्रीज हुआ है रेप कल्चर में, और हर 16 मिनट में एक रेप होता है इस देश में। बिल्कुल। उसको कैसे रोका जा सकता है? लोगों की, हम लड़कियों को बोलते हैं कि हमारे हमारे घर वाले या हर समाज के, किसी भी सोसाइटी के, चाहे वो अपर केस हो, लोअर केस हो, या जो भी, जिस तरह से भी आप उनको डिफाइन करते हैं, हम लड़कियों को सिखाते हैं कि जल्दी घर आ जाना है या टाइम से रहना है, कराटे सीखना है, खुद को बचा के रखना है। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हैं कि किसी को छेड़ना नहीं है? लोगों में, लड़कों में, किसी भी जो क्राइम कर रहा है उसमें ये डर क्यों नहीं है कि मुझे सजा जल्दी ऐसी मिलेगी, भयानक मिलेगी? जब हम किसी एक जी ऐसे इंसान को इतनी जल्दी और ऐसी भयानक सजा देंगे ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत से जो रेज इंक्रीमेंट हो रहा है केसेस में, रेप केसेस में, वो बहुत कम हो सकता है। हर 3-4 साल में हम आ जाते हैं, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, दोनों पार्टीज एक दूसरे पे उछालने लग जाती है, और वो केस बस थोड़ा सा उछल के बन के फिर उसको, जैसे कि निर्भया केस में 7 साल लग गए सजा मिलने में उनको, 7 साल कुछ 3-8 साल कुछ 3 महीने ऐसे कुछ लग गए। तो ये जबकि हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास प्रूफ थे, हमारे को पता था कल्प्रिट कौन है, तो भी उसको 8 साल लग गए। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको ढूंढना पड़े, तो हम सोच नहीं सकते कि कितने साल लगेंगे, और उस वजह से हम लह पैदा ही नहीं कर सकते उन समाजी उन लोगों में जिनकी सोच ऐसी है कि वो सोचते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अंकिता, आपके सवाल के साथ ही, बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल का मैं जवाब दिलवाना चाहूंगा। करीना, कुछ ऐसा ही सवाल है आपका, आप पूछना चाह रही हैं इसी से जुड़ा कुछ? जी सर, बिल्कुल। अभी हाल ही में 2 दिन पहले सोशल मीडिया की एक साइट है इंस्टाग्राम, आई होप एवरीबॉडी उसको जानते ही होंगे, उसके ऊपर मैंने एक कोट पढ़ा जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि एक आदमी को रात के अंधेरे में खौफ है एक राक्षस का, परंतु एक औरत को खौफ है एक आदमी का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा राइट है, राइट टू इक्वालिटी, जहाँ पे हम गर्ल्स और बॉयज को इक्वालिटी देने की बात करते हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ऐसा दिन जरूर आए जब हम ऐसी डिबेट्स, जहाँ पे हम एक लड़की के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि उसे कैसे सुरक्षा दी जाए, वो कहाँ पे सेफ है, कहाँ पे नहीं है, ऐसा कब होना नहीं होगा, कैसे ऐसा होना कब बंद हो जाएगा, मेरा ये सवाल है आपसे। राइट, मैं सुमन जी इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं जिस दिन हाथरस वाला जो वाकया हुआ, महारानी कॉलेज के पास से हम निकल रहे थे, तो 2 बच्चियों से हमने पूछा कि ये घटना, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, और तो उन्होंने कहा कि कहने से भी क्या होगा। इसी तरह से मुझे एक वाकया जोधपुर का ध्यान आया कि कुछ फ्रेंड्स थे ऐसे ही, 2 बच्चियां खड़ी हुई थी, मैं कई कुत्ते खड़े हुए हैं, बेटा काट लेंगे, साइड में हो जाओ, कि इनसे क्या डरना है, डर तो हमें इंसानों से लगता है, बहुत बड़ा एक तमाचा इस सभी समाज पे है। और ये बात मैं सहमत हूँ इन बच्चियों की से कि आजादी के 70 साल बाद नारी के सम्मान संघर्ष की बात करें या फिर हम डिबेट का मुद्दा रखें महिला, तो मुझे लगता है कि ये तो हम कह ही नहीं सकते हम विश्व गुरु है, या फिर कहें कि बिल्कुल कि हम बिल्कुल 21वीं सदी में जा रहे हैं, हमारे कदम 2 आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें नारी को सम्मान नहीं दिला पा रहे। ये तो मुझे लगता है कि एक मुद्दा बना रहे हैं आज हम इसे। मैं दोनों पे, बच्चियों की बात पर, मेरी जो बात है उस पर मैं जवाब चाहूंगा।
नहीं योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे सभ्य समाज, सभ्य हटा दीजिए उसमें, समाज पे ये बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि सभ्य तो हम लोग रहे नहीं, और इसके पीछे कई रीजन है। अभी बहुत लंबी बात हो जाएगी क्योंकि नट टू नट हम लोग को कट टू कट आपको जवाब देना है। उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जो महिलाओं को लेके नजरिया है समाज का, वो भी बदलना बहुत जरूरी है। लड़कों के प्रति हम लोग का जो नजरिया है उसको भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पूरी तरह से एज अ मदर या एज अ ग्रैंड मदर या एज अ मदर जो भी होल, हम अपने बेटियों पे पूरा फोकस रहे। हमने बेटों को बिल्कुल टेकन ग्रांटेड दे दिया कि आप तो ईश्वर की औलाद हैं, आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए इस खुली हवा में जो भी कीजिए, आप पे कोई रोक टोक नहीं। बेटियों को 5 बजे कराना है, आप तो रात के 12 बजे आइए, नो प्रॉब्लम। तो यहीं से शुरुआत होती है निर्भया जैसे लड़कियों को रेप करने वाले लड़कों का। वो लड़के कोई एलियन नहीं होते हैं, आसमान से उतर के नहीं आते हैं, हमारी ही पैदाइश होते हैं, पर हमने जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप उनको देना है वो हमने देना बंद कर दिया, और ऐसे विकृत मानसिकता के बच्चे समाज में हमने तैयार करके परोस दिया, उसी का परिणाम है। तो इसमें हम माओं की भूमिका बहुत सख्त है, सरकारों की भूमिका भी रहेगी, लोकतंत्र की भूमिका भी रहेगी, लेकिन माँ को बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच के साथ अपने बेटों पे फोकस होना पड़ेगा, तभी ऐसे जानवर बच्चे जो लड़के हैं हम पैदा नहीं करेंगे। ये विकृत मानसिकता है, और बहुत सारे रीजन है इसके, वो सब खत्म करने होंगे। नेटफ्लिक्स को देख लीजिए, अमेजोन को देख लीजिए, किस तरह की गंदगी पड़ोसी जा रही है। हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन असली कारण आपका दिमाग है, जहां आप अपने घर के आसपास अपने घर के वातावरण में महिलाओं के सम्मान का दृश्य देखते हैं। इस मानसिकता को बहुत जोर से बदलना पड़ेगा, और सरकारों को भी बहुत सख्त होना पड़ेगा। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, इस बात को जल्दी से निर्णय हो, और ये जल्दी से जब फांसी के फंदे पे लटकेंगे ना तालिबान देशों की तरह, तभी यहाँ के ये लफंगे मनचले लड़के सुधर जाएंगे, लड़कियों को टेकन ग्रांटेड नहीं लेंगे। चलिए ज्योति जी, इन बच्चों के सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा, क्या इस बात में कहना चाहूंगा कि देखिए कोई भी मुद्दा होता है जिसपे हम बड़ी बहस करते हैं, चर्चाएं करते हैं, निर्भया के केस से अब ये सिलसिला काफी चला, और जो भीड़ जुटी कैंडल लेकर के लोग निकले, वो किसी को जानता भी नहीं होगा निर्भया को, उनमें से बहुत सारे लोग, 2-4 को छोड़ के कोई नहीं जानता होगा, लेकिन एक अंदर का आक्रोश था, वह आक्रोश निकल करके बाहर आया, लगा कि हमें भी कैंडल लेकर के गली में निकलना चाहिए, तब भी हम नहीं समझ पा रहे, हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। नजीर निर्भया के केस में नजीर नहीं दे सकते, हम ये नजीर दे सकते हैं कि बचने के रास्ते हिंदुस्तान में क्या क्या हो सकते हैं, कानून क्या क्या कह रहा है। अगर ऐसी गलियों को रोकना चाहें तो राजनीतिक दल ये इच्छा शक्ति क्यों नहीं जताते। देखिए सबसे पहली बात तो करीना ने जो बात कही कि राक्षस नहीं और हमें तो आदमी से डर लगता है, मुझे लगता है कोई जैसे हम जो देखते आ रहे हैं कि राक्षस बहुत काले से होते हैं, सींग होते हैं उनके, ऐसा नहीं है। राक्षस ये हम में से ये जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो हाथरस वाली घटना हो चाहे वो निर्भय वाली, ये यही राक्षस ही है, ये इनमें राक्षस मतलब कुछ बचा थोड़ी ना है। आप जो जिस तरह की दरिंदगी दिखाते हैं वो एक दरिंदा ही दिखा सकता है, उसमें मानवता नाम की चीज तो है नहीं। और जब मानवता नाम की चीज नहीं है तो फिर मुझे लगता है मानव अधिकार कानून की आड़ लेकर के जो उनको बचाने की कोशिश करते हैं वही गलत है। जब आप मानव हो ही नहीं तो आपको कहीं का मानव अधिकार कानून का आपको सहारा मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि तभी अगर हम अपने, और एक दूसरी बात ये कि जो आक्रोश जो लोगों में है, मैं मानती हूँ एटलीस्ट कम से कम ये तो जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने आक्रोश ही अपने अंदर अगर खत्म कर दिया, अगर हमने उन बच्चों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को अगर खत्म कर, हमारे आंसू अगर नहीं आ रहे हैं उन बच्चों की सोच पर, तब तो शायद हमारा समाज ऐसा कहे कि बिल्कुल मरावा समाज हो जाएगा, शव बन जाएगा वो। तो ये चीजें होना, और अगर इस बात घटनाएं हो रही है तो उसमें डिबेट होना, उसके कहना, अपनी भावनाओं को परिलक्षित करना मीडिया के माध्यम से होना, ये तो जरूरी है, होना चाहिए जब तक की स्थितियां ठीक ना हो जाए। ये बिल्कुल सही बात है कि वो समय कब आएगा जब ना करना पड़े, लेकिन उस समय के लिए अगर हमको मिलकर के जब तक भी संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है कि वो क्यों नहीं इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है, वो मैं यूं कहूंगी कि जहां हर जगह गलत लोग होते हैं वो होते हैं, और बच्चों में केवल लड़कों में केवल माओं को सिखाने की बात ही नहीं है कि वो क्या सिखा रही है, जो एक पावर आने के बाद जो उनके अंदर एक आ जाता है कि हम अब तो हमारे पास पावर है, हमें बचा लिया जाएगा, हमें हमारे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्योति जी मैं वापस आऊंगा, ज्योति जी समय कम है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार अलका बत्रा जी के पास में जाना चाहूंगा। अलका जी हमसे यहाँ पे सेगमेंट्स में चीजें आती है, निर्भया का केस को मीडिया जबरदस्त तरीके से करता रहा, मैं मीडिया के भी काफी जानना चाहता हूँ कि हम लोग कहते हैं हम दर्पण का काम करते हैं, हमें आईना दिखाते हैं, समाज को जैसी चीजें हैं वैसे ही तो दिखेंगी, लेकिन
हम पीपी लाइव एक मूवी है, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, उस बिरादरी का मैं भी हूँ, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि घटना जब हो रही है तब हम दौड़ेंगे सब, फिर तो हम अगर अस्थियां को चुनने के लिए जा रहे हैं वो भी देखेंगे, परिवार का आदमी कोई पानी पी रहा, देखिए मटका इसमें से पानी निकाल करके पी रहे हैं, ये हमारा सिस्टम चलता है मीडिया का भी, लेकिन कोई ना जिस सिस्टम से हम जुड़े ना समाज के लोग ना पॉलिटिकल पार्टीज ना सोशल एक्टिविस्ट कोई नहीं पहुंचता वहां कि यहाँ पे ये देखिए हालत है, बच्चियां इस तरह से घूमती हैं, ये जंगल है पीछे, ये इस तरह के हादसे हो चुके हैं कि हम निगम का ध्यान दिलाएं, पंचायत का ध्यान दिलाएं, प्रशासन का ध्यान दिलाएं कि ये जंगल है, बच्चे बहुत अनसेफ हैं, कम से कम इस ओर ध्यान दीजिए, कोई नेता नहीं देखता, ये गलियां दिखाई देती है सबको, गलियां दिखाई देती है, उसके बाद में कोई नहीं दिखता, इसी तरह से कैंपेन चलता है #MeToo, उसके बाद में सब गायब है, क्रांति का पर्व है लेकिन हम इसे रेगुलर क्यों नहीं रखते हैं। देखिए मैं पहली बात तो ये आज जो भी रेप से रिलेटेड केसेस हैं ये सब आ रहे हैं, सब जनता के सामने आ रहे हैं, तो इसके लिए मीडिया ऑफकोर्स उसको धन्यवाद देने की जरूरत है कि उनकी वजह से आज इतने जो ये समस्याएं हैं सबके सामने आ रही है और सब इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मीडिया बाद में पहुंचता है ये बहुत जरूरी नहीं है। मैं चाहती हूँ जैसे मीडिया में क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, आप लोगों की बहुत बढ़िया टीम होती है, वो पहले क्यों नहीं घटना से पहुंचे, पहले मतलब आप लोग जाके उन जगह की रेकी क्यों नहीं करते जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जो डार्क प्लेसेस हैं, जो अनसेफ प्लेसेस हैं, उनको सरकार के सामने लाइए, घटना होने के बाद जनता के सामने लाने से पहले अगर हम लोग लाएं तो आई थिंक मीडिया का थोड़ा सा रोल एक्स्ट्रा करने के बाद हम लोग इन चीजों से बच सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो सुमन जी ने कहा कि हम माओं को बच्चों को बेटों को ये करना जरूरी है, हमको माओं को बेटियों को ये सिखाना भी जरूरी है। मैं ये कहती हूँ कि उनको एक कोटेशन आया था जैसे इंस्टाग्राम पे आया था वैसे ही मैंने भी पढ़ा सोशल मीडिया पे कि लड़कियों को गोल रोटी बनाना सिखाना जरूरी नहीं है, उनको डंडा चलाना और गोली चलाना सिखाना ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, कि आप उनको पहले डंडा मारना सिखाइए, लोगों से लड़ना सेल्फ डिफेंस सिखाइए, रोटियां वोटियां तो बनती रहेंगी बाद में, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ऐसे माहौल में रहने के लिए। और तीसरी जो ज्योति जी ने भी बात कही कि जो 33% रिजर्वेशन है, हमको लीडरशिप में लाना बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं का दर्द समझ के उनके बारे में बोलेंगी। आप राजस्थान में ही देख लीजिए ना, एक महिला मंत्री है इतने सारे मंत्रियों के बीच में, क्या तो हमारा परसेंटेज है, आप क्या उम्मीद रखते हैं, और उसको महिला और बाल विकास ही पकड़ा दिया जाता है, क्यों नहीं वो फाइनेंस में आ पाती है, क्यों नहीं वो होम अफेयर्स देख सकती है। हम लोग में सब में काबिलियत है, महिलाओं को समझता ही कोई नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, तो 33% रिजर्वेशन जरूरी है। अगर वो नहीं है इतनी आपके पास महिला नेत्रियां, तो खाली छोड़ दीजिए उन पोस्ट को, जैसे हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, अगर उस पोस्ट के लायक कोई नहीं है तो वो जगह खाली रहती है, वैकेंसी रहती है, वैसे ही सरकार में भी वैकेंसी रहनी चाहिए अगर महिला नेत्री नहीं पहुंच रही है वहां पे, इसी तरह से नहीं महिला नेत्री पहुंच रही है, कमी नहीं है कि महिला नेत्रियों की, पुरुषों को डर ही है कि ये 33% ज्यादा पहुंच जाएंगी। अगर ज्योति एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आपसे ज्योति मैं लास्ट में सवाल चाहूंगा, मैं एक सवाल बरखा जी से और अंकिता से और करवा देता हूं मैं, बरखा जी सवाल कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है, ताकि एक साथ में जवाब दिलवा दूं। बरखा जी मेरा एक्चुअली आपका ध्यान बताना चाहूंगी, अभी रिसेंटली एक केस हुआ था लॉकडाउन के दौरान कि एक लड़की अपने पिताजी को साइकिल पे लेके काफी दूरी तय करके बिहार अपने घर पहुंची, जब वो पहुंचती है तो मीडिया सारे पॉलिटिक्स पार्टी सब आके उनको इतना ऑनर कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है बहुत दिनों तक न्यूज में आता रहा। ऑल ऑफ सडन मैंने एक रिपोर्ट आई फेसबुक पे, एक खबर पड़ी कि उसी लड़की का रेप करके उसको खेत में छोड़ दिया गया, उसकी कोई खबर टीवी पे मीडिया पे मुझे आज तक नहीं मिली है, ना किसी ने जानकारी दी है, ना उस बच्ची के लिए किसी ने किया, तो तब मीडिया कहाँ चली गई, तब वो पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ चली गई जो उसको ऑनर कर रही थी, अपने पिता को इतनी दूर से साइकिल पे लेके वो घर पहुंची, और जब आज उसका रेप हो गया वो खेतों में पड़ी थी तो कोई मीडिया नहीं थी, कोई लोकतंत्र नहीं था, कोई वहां पे पॉलिटिकल पार्टी आई उसकी हेल्प करने के लिए, तो ये क्या सिस्टम है सर, मुझे इसका आंसर चाहिए, ये सही खबर है क्या? आई डाउट जी जी, ऐसा ही एक कुछ वीडियो मैंने भी देखा इंस्टाग्राम पे, जहां पर हरियाणा के गांव में पंचायत के लोग, जो कि पंचायत गांव चलाता है, जो जिसका मान जिसकी बात पूरे गांव को माननी होती है, वो ऐसा मानते हैं इस केस के बाद उनका ये वीडियो है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, मतलब उनका कहने का मतलब है जहां लड़के का
गलती है कि उसने रेप किया, वहां लड़की की भी गलती है कि वो बाहर निकली। और वहीं एक उसी गांव के उसी स्कूल के वीडियो में दिखाया जाता है कि उनकी टीचर्स वहां पे एक लड़की बोल रही है, मैं लड़के की बात तो करूंगी ही नहीं, वहां छोटी बच्चियां बोल रही है कि उनकी टीचर उनको ये बताती है कि अगर आपके साथ रेप होता है तो उसमें आपकी भी गलती है कि आपको बाहर इतनी लेट नहीं निकलना चाहिए या आपको ऐसे कपड़े पहन के नहीं निकलना चाहिए। तो अगर ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो हम इतने छोटे बच्चों को जहां हमें इक्वालिटी सिखानी चाहिए वहां पर हम ये सिखा रहे हैं कि यहाँ पे आपकी भी गलती है अगर आपका रेप होता है, तो फिर कैसे हम इन गैप्स को फिल कर सकते हैं कि ये ना हो। समय कम है, चले मैं सुमन जी से और ज्योति करूंगा, बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहें। जी सुमन जी। जी योगेंद्र जी, मैं सीधे अलका के पहले जवाब पे आती हूँ कि 33% होना चाहिए और वुमेन पावर बहुत स्ट्रांग है, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सदियों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पता नहीं वो दिन कब आएगा। लेकिन एक मेरे जहन में दर्द है वो शेयर करना चाहती हूँ कि आज भी लोकसभा में 72 महिलाएं हैं लेकिन महिला इशू पे एकजुट नहीं होती है। ये हम लोगों का दूसरा दुर्भाग्य का पार्ट है, जो महिला होके हम लोग वो 72 महिलाएं चाहें तो हिला दें सदन को लेकिन वो हिला नहीं पाती हैं। तो 33% क्या कमाल करेगा आई डोंट नो, लेकिन मिलना चाहिए, मैं पक्षधर हूँ, आरक्षण होना चाहिए। दूसरा, बरखा ने एक क्वेश्चन उठाया था, मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी सीन से आउट क्यों हो जाती है, कई जगह दिखती है कई जगह नहीं दिखती है। देखिए मीडिया हो या पॉलिटिकल, मीडिया पे तो नहीं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी, पर पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी होती है मैं सबको लपेट रही हूँ इसमें, वो जनरली इसमें नफा और नुकसान का खेल देखती है कि ये एक्टिविटीज करने से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, इलेक्शन टाइम है नहीं, अभी मेहनत, ये सारी चीजें होती है, इसलिए ऐसी चीजें आपको दिखती है। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बात को समाप्त करते हुए कहूंगी कि महिलावादी होने का मतलब क्या, फेमिनिस्ट चर्चा हम लोग करते हैं इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा को दोबारा परिभाषित करनी चाहिए। महिलावादी का मतलब है मानवतावादी, जब तक आप महिलावादी को मानवतावादी से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप में और हमें कहीं सुधार नहीं होगा। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, जैसे अभी वीडियोस के बारे में कि हमारे इन्हीं के लिए लड़ाई लड़नी है, और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की बातें आप करते रहो, लेकिन हम उस जगह पे अभी तक पहुंचने में भी बहुत समय लगने वाला है। और नेचुरली बात देखिए कि बहुत जरूरी है कि अगर हमारी जानकारी में आए, हमारे हमें पता चले केस से, हमें अपनी आवाज किस भी तरीके से बुलंद कर सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं कुछ कोशिशें सबको करनी पड़ेगी। एक मिलजुली जब तक कई बार कई जैसे अगर सदन में, मैंने तो ये महसूस किया कि जब मैं मेयर थी तो कुछ पुरुषों ने कई बार ऐसा कोशिश मोरल गिराने की कोशिश, लेकिन एक बार मैंने महिला जनप्रतिनिधियों से बात की कि क्या आपको लगता है उन पुरुषों ने सही किया था, और आज उन्होंने मेरे साथ किया है, कल आप भी, मैं चाहूंगी मेयर पद की पहुंचे और वो अगर आपके साथ ऐसा करेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। और जब अगली बोर्ड मीटिंग हुई तो मुझे अच्छा लगा कि उन महिलाओं ने उन पुरुषों की ऐसी हरकतों पे उनको सपोर्ट नहीं किया। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम अपनी ताकत को दिखाएं, ये बिना पार्टी से ऊपर उठ करके, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, मैं हम दोनों को रोकना चाहूंगा। तो जन टीवी ने एक पहल की है कि हम ये जानना चाहते हैं कि बाहर जो लोग एक आम जनता की तरह, एक आम पब्लिक की तरह लोग हैं, वो कोई सोशल सेक्टर में है, कोई जॉब में है, वो क्या सोचते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और राजनीतिक दल क्या सोचते हैं। मैं बिल्कुल, आप लोगों ने बिंदास तरीके से और अपनी बेबाक तरीके से अपनी बात कही है, और निश्चित रूप से मुझे लगता था कि भागीदार लोग तो कंफर्टेबल होंगे, और लगता है कि महिलाओं की देखिए की बढ़िया 33% आरक्षण तो मुझे लगता है होना ही चाहिए, क्योंकि एक बेहतर तरीके भागीदार और अंकिता की बात से मैं सहमत हूँ, इस बात पे फोकस करना चाहिए कि अपराध इतना कोई नजीर ऐसी जानी चाहिए ताकि एक नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।